तो देखिए, राजस्थान के इतिहास में पहली बार 23 घंटे के शॉर्ट नोटिस पर 16वीं विधानसभा का सत्र बुधवार से शुरू होगा। 20 और 21 दिसंबर के खास सत्र के लिए राज्यपाल कलराज मिश्र ने प्रथम सत्र को आहूत करने की स्वीकृति दी है। अब इसमें 199 नव निर्वाचित विधायकों को प्रोटीम स्पीकर कालीचरण सराफ शपथ दिलाएंगे। राजस्थान की 16वीं विधानसभा के सत्र में बुधवार से दो दिन खास है। विशेष आयोजित पहले सत्र में विधानसभा परिसर में विधायकों की रौनक का श्री गणेश भी अहम रहेगा। इसमें बीजेपी से चुने गए 115 विधायक और कांग्रेस के 69+ विधायक जीतने के बाद पहली बार सदन में कदम रखेंगे। इनके अलावा शेष निर्दलीय विधायक भी शपथ लेने की प्रक्रिया में शामिल होंगे। चुनाव प्रचार, मतदान और वोटों की गिनती के बाद पहली बार विधानसभा में एक साथ विधायकों की चहल पहल देखने को मिलेगी। विशेष सत्र की कार्यवाही कई मायनों में खास है। ऐसा इसलिए कि राजस्थान विधानसभा के इतिहास में पहली बार 23 घंटे के शॉर्ट नोटिस पर यह पहला सत्र बुलाया है। प्रोटेम स्पीकर कालीचरण सराफ 199 नव निर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाएंगे। उसके बाद विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव के लिए प्रक्रिया शुरू होगी। दो दिन का विशेष सत्र 20 दिसंबर से, इतिहास में पहली बार 23 घंटे के शॉर्ट नोटिस पर बुलाया सत्र। कालीचरण सराफ प्रोटेम स्पीकर नियुक्त, 199 नव निर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाएंगे। 21 दिसंबर को शेष विधायक शपथ लेंगे। नव निर्वाचित विधायकों को सूचना भेजी, जिला कलेक्टर्स के जरिए सूचना दी गई है। विधानसभा स्पीकर का चुनाव होगा। विधानसभा अध्यक्ष के लिए बीजेपी ने अजमेर उत्तर से जीते विधायक वासुदेव देवनानी को पहले से ही नामित किया है। माना जा रहा है कि नामांकन की प्रक्रिया होने के बाद वासुदेव देवनानी का निर्विरोध रूप से निर्वाचन भी होगा और इसके साथ ही विधानसभा सत्र में होगा दो समितियों का गठन। इसमें कार्य सलाहकार समिति और गृह समिति शामिल। सदन के कामकाज तय करेगी कार्य सलाहकार समिति। इसमें पक्ष विपक्ष दोनों के सदस्य शामिल होते हैं। विधायकों के आवास आवंटन की प्रक्रिया आगे बढ़ाएगी गृह समिति। राज्यपाल कलराज मिश्र ने 18 दिसंबर को प्रोटेम स्पीकर कालीचरण सराफ को नियुक्त किया। राजभवन में ही कालीचरण सराफ को शपथ भी दिलाई गई। राजस्थान में अभी तक मंत्रिमंडल का गठन नहीं हुआ है। इससे पहले 15 दिसंबर को राज्यपाल ने भजन लाल को सीएम और दिया कुमारी तथा प्रेमचंद्र बैरवा को डिप्टी सीएम के पद की शपथ दिलाई। विधायकों की शपथ के बाद सभी को मंत्रिमंडल में शामिल चेहरे का इंतजार रहेगा। बहरहाल दिल्ली दौरे में सीएम भजन लाल ने इसकी कवायद भी की है और पहले की तरह जो भी नाम सामने आएंगे वे भी शायद सरप्राइज दें, क्योंकि ऐसा पीएम मोदी और शाह करते आए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सच बेधड़क।